गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 1। उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज द आइज हैबिट। तो जैसे आपको पता है कि इस चैप्टर के जो राइटर है वो रस्किन बॉन्ड है। तो बेसिकली वो एक स्टोरी नरेट करते हैं जिसमें एक ब्लाइंड पर्सन जो होता है वो ट्रेन से जर्नी कर रहा होता है। तो उस जर्नी के ड्यूरिंग में एक गर्ल आती है एंड वो आके उसके सामने बैठ जाती है। तो इस तरह से वो कुछ बातें करते हैं और ये प्रिटेंड करता है कि वो ब्लाइंड नहीं है। दैट पर्सन जो है, नरेटर जो है, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि ब्लाइंड नहीं है। बट उसके बारे में, वो गर्ल के बारे में वो ऑब्जर्व करता रहता है कि वो कैसी दिखती होगी, उसने क्या क्या उसने क्या पहना होगा, उसके हेयर कैसे होंगे। तो ये सब उसको थोड़ा उससे बातचीत करना अच्छा लगता है। और बातचीत के दौरान वो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं छोटे मोटे, और वो भी उसमें बताया गया है। सो फाइनली ये मालूम पड़ता किसी और से कि वो गर्ल भी ब्लाइंड थी। तो ये इस तरह से एक बड़ी कॉमेडी टाइप की और थोड़ी अच्छी सी स्टोरी थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग सेक्शन A1 के देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट गिव हर एंड व्हाई। तो गर्ल के पेरेंट उसको जो स्टेशन पर ड्रॉप करने आते हैं उसको उसमें बैठाते हैं उसमें बोगी में एंड उसको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। बिकॉज वो गर्ल, उनको तो पता था कि गर्ल ब्लाइंड है, बट जब पैराग्राफ जो चालू होता है, जब चैप्टर चालू होता है, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि गर्ल ब्लाइंड है। खाली वो इंस्ट्रक्शन जो दे रहे होते हैं, जो नॉर्मली पेरेंट्स देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो गर्ल्स पेरेंट्स गिव हर इंस्ट्रक्शन सच एज वेयर टू कीप हर थिंग्स, कहाँ रखनी चीजें, ऐसे रखो वैसे रखना, when not to lean out of window, window से बाहर नहीं मुंह नहीं निकालना, and how to avoid speaking to strangers, and they gave instructions as they were very anxious about her comfort. तो वो बहुत चिंता में थे कि उसको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट एक लाइन आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि बिकॉज as the girl was blind, so their parents were very anxious and they were giving instructions to her. तो ये लाइन ऐड कर सकते हैं। Although first para में ये सब नहीं है, only last में मालूम पड़ता है कि she is blind. Question number 2 है, how did the narrator learn that his companion wore slipper? तो उसने जो girl ने जो थी slipper पहन रखी है, ये इस narrator को कैसे मालूम पड़ा? Because he was blind, वो कहने देख तो नहीं सकता था। तो जब वो चल रही थी, चल के जब आ रही थी, तो slipper जो थी उसके तो उसकी जो heels में slapping कर रही थी, तो उससे मालूम पड़ता था कि उसने slipper पहन रखी है। तो ब्लाइंड पर्सन के नॉर्मली अदर सेंसेस जो होते हैं, जैसे ईयर और ये सब जो होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड दे ऑब्जर्व थ्रू साउंड ऑफ समथिंग। तो उसकी साउंड से, उसको स्लैपिंग के साउंड से मालूम पड़ जाता है कि उसने स्लीपर पहन रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यस अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ आया था कि कौन सा टाइम में अब घूमना अच्छा रहेगा मसूरी में। तो वो बोल रहा था कि हाँ, अक्टूबर बेस्ट टाइम रहता है क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट लोग चले जाते हैं और खाली नेचुरल ब्यूटी वहाँ रह जाती है। तो हिल्स ऑफ मसूरी आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलिया। डहलिया जो एक टाइप का फ्लावर्स का प्लांट होता है, उसमें कवर्ड हो जाते हैं अक्टूबर में। और सन इज डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स सन जो होती है, थोड़ी इसकी वेव्स जो होती है उसमें हॉटनेस कम हो जाती है, थोड़ा विंटर टाइप आ जाता है, तो सन में बैठना भी अच्छा लगता है। एंड एट नाइट वन कैन सिट इन द फ्रंट ऑफ लॉग फायर, जो बोन फायर करते हैं लकड़ी की, उसमें बैठ सकते हैं एंड ड्रिंक कॉफी। तो ये सब होता है अक्टूबर मंथ में ये सब। एंड मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड रोड्स आर क्वाइट, वो टाइम में फिर टूरिस्ट जो है चले गए होते हैं अक्टूबर में, क्योंकि सब टूरिस्ट जो होते हैं समर में आते हैं मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द नरेटर फील एज द ट्रेन अप्रोच द सहारनपुर स्टेशन। जब सहारनपुर स्टेशन आ रहा था तो उसको थोड़ा लगता है कि हमारी जो मुलाकात थी वो उतनी रगी, वो ये भी सोचता है कि मुझे तो सब कुछ याद रहेगा, ऑल दो ये भूल जाएगी, बट मुझे तो ये इंसिडेंट बहुत टाइम तक याद रहेगा। और वो ये भी सोचता है कि दैट उसने क्या, उसने हेयर कैसे बांधे होंगे, इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन, मतलब बन में, बन शेप में हेयर बांध रखे हैं, या प्लेटेड, मतलब कुछ दूसरी प्लेट टाइप की जो रहती है वो ऐसे बांध रखे होंगे, या उसने लूज में रख रखे होंगे, शोल्डर तक लूज होंगे उसके हेयर, और उसने बहुत छोटे कट रखे होंगे, मतलब शोल्डर से भी ऊपर में छोटे होंगे करके। तो ये सब वो उसके हेयर के बारे में सोच रहा था जब वो स्टेशन आ रहा था। तो और उसने ये भी सोचा कि
ऑल्दो वो तो भूल जाएगी इस हमारी इस मीटिंग को, बट उसे काफी तक नरेटर को काफी टाइम तक ये याद रहेगा। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव इंस्टेंस टू शो दैट नरेटर वाज ए शार्प ऑब्जर्वर। इसमें बहुत सारे इंस्टेंस आते हैं जिसमें मालूम पड़ता है कि नरेटर जो है बहुत कीन ऑब्जर्वर था, शार्प ऑब्जर्वर था, लोगों की साउंड्स या उन सब चीजों से देख के वो, या उनकी जो बातचीत होती उनसे देख के, उनको सुन के वो पता कर सकता था उनके बारे में। जैसे सबसे पहले उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जो थे थोड़ी चिंता में लग रहे थे, क्योंकि वो सब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो पेरेंट थोड़े एनेक्सेस थे करके, तो ये भी उसने नोटिस किया। दूसरा उसने नोटिस किया कि उसने स्लीपर्स पहन रखी थी, उसकी साउंड से उसको मालूम पड़ गया था। तीसरा उसने ऑब्जर्व किया कि टेलीग्राफ, जब उस लड़की ने बोला कि जो बाहर का सीन का कैसा है, लैंडस्केप कैसा है, तो उसने बताया कि बाहर में कुछ एनिमल एनिमल नहीं रहते हैं। और टेलीग्राफ पोस्ट कैसे मतलब फ्लैश फ्लैश कर रहे हैं, जैसे जैसे पीछे चले जाते हैं जब ट्रेन जब जारी होती है, तो टेलीग्राफ पोस्ट जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि पीछे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ उसने ऑब्जर्वेशन करी थी, तो ही वॉज ए वेरी शार्प ऑब्जर्वर। तो ये हमारा चैप्टर जो था इसके हमने आज सेक्शन A1 ही लिया है। दूसरे वीडियो में हम लोग इसके अदर सेक्शन हैं वो भी लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, एंड शेयर इन ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।